और यही था कि ये थंबनेल पे थोड़ा बहुत क्लिकबेट मैंने कर दिया था, क्योंकि यार है ना थोड़ा बहुत क्लिकबेट तो चलता है, तो इसलिए। और अदरवाइज सौरभ जोशी ने मुझे कुछ नहीं बोला पर्सनली, मुझे तो लगता भी नहीं जो मैंने उनके लिए वीडियो बनाई थी उसका भी उन्होंने रिप्लाई करा होगा अपनी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, राम राम दोस्तों, क्या हालचाल। तो भैया आज हम बात करने वाले हैं अपने YouTube चैनल पे सदियों से खुलेआम हगने की इस परंपरा को बरकरार रखने वाली कैरी मिनाटी से लेकर टेक्नो गेमर्स तक तमाम यूट्यूबर्स को हर दूसरे दिन मौत के घाट उतारने वाली और मार्केट में नेगेटिविटी फैलाकर खुद कमेंट्स भरकर गालियां सुनने वाली एकमात्र जाहिर लड़की पायल जॉन के बारे में। मैं कमेंट्स पढ़ती नहीं, बट कभी कभी ऊपर आ जाते हैं, पॉपअप हो जाते हैं, तब मेरी नजर चली जाती है और मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, मैं रोने लग जाती हूँ ऐसे कमेंट देख के। जिस टाइम से मिली है उस टाइम से झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। सौरभ जोशी की ना यूट्यूब पे दो चैनल है, एक उनका आर्ट्स का चैनल है, एक उनका ब्लॉग्स का चैनल है। टेल मी समथिंग आई डोंट नो। बट जो इनका दूसरा चैनल है सौरभ जोशी ब्लॉग्स, मेरे को तो आज तक समझ ही नहीं आया वो चैनल एग्जिस्ट ही क्यों करता है, क्योंकि हमारे इंडिया में लोगों को अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में इंटरेस्ट है। और देखो ये बोल भी कौन रही है जिसके घर का दो वक्त का खाना रोस्ट के नाम पे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के तलवे चाट कर पूरा होता है, आज वो हमें नैतिकता और ज्ञान की बातें पेल रही है। बिल्कुल सही कहा तूने, हम इंडिया वाले दिलदार के साथ साथ थोड़े एड़े भी होते हैं। अगर तुमसे मोहब्बत हो गई तो सर पे बिठा लेंगे, और अगर नफरत हो गई तो आपका जीना हराम कर देंगे। बहुत सारी वीडियोस हैं इनके चैनल पे, जैसे कि मम्मी ने पीयूष को मारा और पीयूष ने ट्रिगर इंसान की ड्राइंग बना दी, टाइटल में पीयूष का नाम लिख देते हैं और साथ ही साथ अपने थंबनेल में भी पीयूष की फोटो लगा देते हैं। तो अपने चैनल का नाम चेंज कर दो भैया, आप अब तो सच में चेंज कर दो, आप सौरभ जोशी ब्लॉग्स आप पीयूष जोशी ब्लॉग्स रख दो। अरे और कितना हगोगी दीदी, कन्हैया कुमार की बहन वहन हो क्या, जैसे वो देश की तरक्की होते हुए नहीं देख सकता, ठीक वैसे तुम भी एक अच्छे यूट्यूबर को ग्रो करता हुआ नहीं देख सकती। और जब टाइटल की बात छिड़ी गई है तो आओ जरा पागल जोन के वीडियोस पे भी एक नजर डाल ही लेते हैं। बेटे ओ बेटे मौज कर दी, आ मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह से लो तुम तो, अरे तुम तो बड़े यार ड्राइवर भाई। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अरे वो पागल दीदी, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते, कभी खुद का भी चैनल देख लिया करो, संडास की तरह महकता हुआ गुटखा खाकर थूका हुआ लगता है। और थंबनेल में बड़े यूट्यूबर्स का फोटो लगाकर तुम हर दूसरे दिन उनका मर्डर करती हो, प्लीज तुम खुद अपने चैनल का नाम बदल कर पायल द मर्डरर क्यों नहीं रख लेती हो। ना उसमें कुछ ज्यादा एडिट करते हैं, ना ही कुछ इनका कुछ खास कंटेंट होता है, कुछ होता नहीं, कैमरा के सामने आके बोलते रहते हैं और मिलियंस में व्यूज लेके जाते हैं। कैमरा के सामने तो मैं भी बोल रही हूँ, मेरे को भी दे दो मिलियंस में व्यूज, इनके तो एक दिन में आते हैं, मेरे एक हफ्ते में भी मिलियन में आ जाना, एक मिलियन में बहुत खुश हो जाऊंगी। कोई तरीका है भीख मांगने का? मैं जिस भी क्रिएटर के ऊपर वीडियो बनाती हूँ अगले दिन मेरे को उनके डीएम आने लग जाते हैं। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का कोई फायदा तो है नहीं मेरे लिए। क्या गुंडा बनेगा रे तू, वो मेरे को ऑडियो भेजने लग जाते हैं कि भाई हम तुम्हारे ऊपर केस कर रहे हैं, हम तुम्हारे ऊपर FIR कर रहे हैं। इस तरीके की चीजें मेरे साथ हो रही हैं, जो कि मेरे को लगातार बहुत ज्यादा मेंटली हैरेस कर रही है और परेशान कर रही है। दीदी तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि आप एक लड़की हो, वरना ऐसी गिरी हुई हरकत किसी लौंडे ने की होती तो अब तक उसे किसी ने पेल दिया होता, क्योंकि चंद पैसों के लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ताक पे रखकर रिपीटेडली किसी एक बंदे को टारगेट करना यूट्यूब पे, ये किसी क्राइम से कम नहीं होता है दीदी। जी हाँ दोस्तों, सौरभ जोशी ने मेरे बारे में ऐसा बोला है कि वो मेरे ऊपर FIR करने वाले हैं, और FIR तो चलो ठीक है। सो बकचोदी करने और फेक स्टोरीज बनाकर जनता का सरेआम चूतिया काटने के मामले में ये बंदी इतनी चतुर चालाक और चंट है कि अपने हर वीडियो के एंड में कुछ ऐसा ट्विस्ट कर जाती है कि जिसे देखकर हमारा वक्त हालात और जज्बात तीनों ही बदल जाते हैं। Meanwhile, तो जहाँ तक सौरभ जोशी की बात है, उन्होंने मेरे बारे में ना कुछ बोला है, ना किसी और से कुछ बोला है, ना मुझे कुछ बोला है, क्योंकि भाई उनके पास इतना टाइम नहीं है। भाई हम लोग वेले हैं, हम लोग इस तरीके की चीजें कर सकते हैं, लेकिन सौरभ जोशी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, वो क्या ही ध्यान देंगे मेरे ऊपर यार। तो इसीलिए ये बंदी गाली सुनती है व्यूज निचोड़ने के लिए, फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के बाद एट द एंड कहती है कि वो तो कुछ नहीं कहेगा, बड़ा यूट्यूबर है, उसके पास कहने के लिए मुझे टाइम कहाँ है। FIR तो चलो ठीक है कर दो, लेकिन उन्होंने मेरे को ये भी बोला है कि मैं पागल हूँ और मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ, मेरे को कोई सेंस नहीं है कि क्या बोलना चाहिए। अच्छा कौन हो तुम, महिला मंडल की कार्यकर्ता या प्रधानमंत्री जो आ जाती है हाथ जोड़कर YouTube पे सबकी गलतियों पे उंगली उठाकर प्रवचन देने? सुनो बिना फीस का वकील बनने की कोनो जरूरत नहीं है, अगर ऐसी बकचोद हरकतें करती रहोगी तो लोग तुम्हें पगलेट ही तो कहेंगे। स्वयं विचार कीजिए, हो सकता है मेरी वीडियो से सौरभ जोशी को थोड़ा बहुत बुरा लग जाए, वो कहीं हर्ट हो जाए। सौरभ जोशी को मैसेज किया इंस्टाग्राम पे और मैंने उनको बोला कि सॉरी मैंने आपके लिए ऐसा करके एक वीडियो बनाया है, मैंने उनको लिंक भेजा अपनी वीडियो का, मैं आपको साइड में दिखा दूंगी पूरा मैसेज जो मैंने उसको भेजा है। क्योंकि ये तो सबको मालूम है कि जब हम किसी को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर डेट और टाइम मेंशन हो जाता है, पर दीदी ने कहा कि उसने सौरभ जोशी को मैसेज किया, तो दीदी ये बताओ इस मैसेज के ऊपर से डेट और टाइम कहां गायब हो गया।
चूतिया बनाया तुमको। सबको पता है कि अगर मेरे जैसी समझदार लड़की किसी के ऊपर वीडियो बना रही है तो जरूर कुछ वजह है। यार पता नहीं ऊपर वाला जब सद्बुद्धि बांट रहा था उस वक्त पागल जोन किसका वीडियोस देखकर जागरूकता की सीढ़ी चढ़ रही थी। मोदी जी कम से कम पार्लर तो खोल देते। अपने बंदे को क्या मुंह दिखाऊंगी डैडी वाला। वो मेरे को एक ऑडियो भेज रहे हैं और ऑडियो में वो कुछ अच्छा नहीं बोल रहे हैं, कुछ बुरा भी नहीं बोल रहे। अरे कहना क्या चाहते हो? वो सीधी सीधी मुझे धमकी दे रहे हैं। जो मैंने सुना तो मुझे धक्का लगा कि एक तो मैंने इनको सॉरी करके मैसेज किया, मैंने इनको बोला कि इनसे पूछा मैंने इतने प्यार से कि मैं वीडियो हटा दूं क्या। अरे दीदी जिस ऑडियो को सुनकर आपकी फट गया धक्का लगा आपको उसे आपके पूरे वीडियो में छान मारा, बट वो ऑडियो सुनने को हमें कहीं भी नहीं मिला। दीदी जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कुछ चीजें उन्होंने बोली है तो मैंने सोचा कि उनकी उस बातों का मैं रिप्लाई करती हूँ, क्लिप दिखाती हूँ कि वो मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। इसी तरह से काफी लोग रोस्ट वीडियो बनाते हैं, काफी लोग इस तरह से फनी वीडियो, कोई क्या बोल रहा है, कोई हमको बदनाम कर रहा है, कोई क्या। ये चीज जो इन्होंने बोली ना स्टार्टिंग में मेरे को बहुत ज्यादा बुरी लगी जो ये बोल रहे हैं। यार ये लड़की जाहिल वाहिल है क्या? जिस वीडियो पे ये क्लेम कर रही है उस वीडियो पे तो सौरभ जोशी ने इसका नाम भी नहीं लिया। मुझे तो लगता है पागल जोन के रगों में बकचोदी अब खून बनकर दौड़ रही है, इसीलिए तो सुनने समझने और देखने की शक्ति दीदी अब पूरे तरीके से खो चुकी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों क्या आपको पता है कि स्ट्राइक कितनी ज्यादा खतरनाक चीज होती है? नहीं। अगर आप लोग यूट्यूब की थोड़ी जानकारी रखते होंगे, आप खुद आप एक यूट्यूबर होंगे तो आपको पता होगा कि स्ट्राइक कितनी ज्यादा एक बुरी चीज हो सकती है। मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए, मेरी पूरी जिंदगी के लिए, भविष्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने एक छोटे यूट्यूबर को जिसने अपने सब्सक्राइबर्स तक हाइड कर रखे हैं उसको उन्होंने स्ट्राइक मार दिया। काश ऊपर वाले से मांगी मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए, बेफालतू नेगेटिविटी फैलाकर किसी को बदनाम करने की कोशिश में साला दीदी का चैनल ही डिलीट हो जाए सिर्फ वॉच टाइम निचोड़ने के चक्कर में, ताकि कमाई मोटी होती रहे और वीडियो के एंड में दीदी इतनी शातिर है कि अपने ही बातों से मुकर जाए। जहाँ तक सौरभ जोशी की बात है उन्होंने मेरे कोई स्ट्राइक नहीं दिया, और स्ट्राइक क्यों देंगे यार, स्ट्राइक बहुत बड़ी चीज होती है ठीक है। और अगर उनको मेरी वीडियो से प्रॉब्लम है वो एक बार बोल भी देंगे तो उनका बोलना ही मेरे लिए काफी है, मैं अपनी वीडियो प्राइवेट कर दूंगी। उकसाने का काम मत कर साले, मजाक बना के रखते हैं, भड़वा समझे है क्या? बुरा ना माने अगर कोई आपके ऊपर वीडियो बना रहा है तो हम सब लोग आपको पसंद करते हैं, बट थोड़े बहुत व्यूज आ जाते हैं तो हम वीडियो बना देते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर दो यार क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, साइनिंग ऑफ, सोनू सिन्हा ओरिजिनल्स।